अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू O2, और इसका सेकेंड पार्ट है 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। तो हमें क्वांटिटी ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है। क्यों अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ फैराडे निकाल लेंगे, फैराडे से हम कूलम में, पहले भी इस तरह ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमें 1 मोल वाटर से ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, तो पहले हमने रिएक्शन लिखा, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। जब वाटर O2 में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, ऑक्सीजन यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे जीरो। जो एटम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा होता है उसको आप बैलेंस करो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 मोल O जब -2 से जीरो पे गया तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, 2 का। तो अगर 2 मोल ऑक्सीजन करेंगे तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, 4 मोल। तो 2 मोल वाटर मिलके 4 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, 1 मोल वाटर कितने मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 2 मोल का। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज फॉर 1 मोल ऑफ वैराडे फॉर क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीडाइज इज कितनी हो जाएगी, 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 2 फैराडे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय दी 1 मोल ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब अगर इसे कूलम में कन्वर्ट करना है तो फैराडे की वैल्यू डाल दो, दैट इज 96500 कूलम पर मोल। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, 1 मोल FeO से Fe2O3 कन्वर्ट करना है। अब अगर हमें FeO से Fe2O3 कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +2, और यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। फिर से जो एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है उसकी आप बैलेंस करो दोनों साइड, तो 2 मोल Fe के आ गए, तो 1 Fe +2 से +3 पे गया, कितने का इलेक्ट्रॉन का लॉस करा बाय द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हमारे पास 1 का आएगा, तो 2 का के लिए कितना आ जाएगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक। तो 1 मोल Fe ओ कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, दैट इज़ 1 फैराडे। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से फॉर्मूला हो गया Q=NF, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय दी 1 मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 फैराडे इसका आंसर हो गया। वैल्यू पुट कर दो 96500 कूलम पर मोल, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज फास्ट आ जाएगी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट है इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, और हमें बताना है व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, और हमें बताना है मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट द कैथोड जब हमें कि एटॉमिक मास ऑफ निकल का भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, निकल का रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव से 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके निकल सॉलिड में कन्वर्ट होगा, आप ही समझ आ गया ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमेशा 1 मोल के लिए निकाल लो। अब देखो यहाँ पे अगर हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो 1 मोल निकल का डिपॉजिट होता है, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो गया, Q=NF होता है, मतलब 2 फैराडे हो गया। तो 2 फैराडे चार्ज अगर हम पास करेंगे तो उस केस में ये कितना निकल डिपॉजिट हो जाएगा, 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 58.7। आपको पहले भी बता था मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करना है, गिवन मास बाय मोलर मास। अगर मोल 1 रखोगे तो मास कितना डिपॉजिट हो जाएगा, मोलर मास के बराबर, तो 58.7 ग्राम इसका डिपॉजिट हो जाएगा, और 2 फैराडे को आप कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बात आती है कि उसने कितना कूलम चार्ज पास करा है। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें तो 5 एम्पियर करा है 20 मिनट्स के लिए, तो मतलब कितने क्वांटिटी चार्ज हो गया, Q=I×T भी फॉर्मूला होता है, I कितना है 5 एम्पियर, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स का मतलब सेकंड्स कितने हो गए, 20×60, तो ये हो गया। तो ये अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6000 कूलम आ जाएगा, इतना क्यू चार्ज हमने पास करा। इतना क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करने पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि निकल कितना डिपॉजिट हुआ, और हमारे पास दिया हुआ है कि 2 फैराडे है, तो इसको हम कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 1.93×10^5 कूलम, इतना क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अच्छा एक बात और आप याद रखिए, जब भी आप स्कूल में अगर आप 11th या 12th जो भी पेपर करते हैं, आप साइंटिफिक नोटेशन में आंसर जो देखिए, देखा गया है कि साइंटिफिक नोटेशन में आंसर नहीं छोड़ने पे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, स्कूल में काटे जाते हैं। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आप रखिए, उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द वैल्यू है
उसको 10 की पावर में ले जाइए, जो भी जीरो है, जैसे आपका आंसर 19300 है तो वो 10 की पावर में लिखिए। साइंटिफिक नोटेशन से लिखने से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप नहीं लिखते हो तो जहाँ आधा नंबर कटना चाहिए वहीं पर टीचर्स जो हैं एक से लेके डेढ़ मार्क्स तक काट रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपके पास आ गया 1.93 × 10⁵ कूलम आ गया। इतना क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करने पे एक मोल निकल का डिपॉजिट होगा तो 6000 कूलम से कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1.93 × 10⁵ कूलम चार्ज अगर पास किया जाता है तो एक मोल निकल डिपॉजिट हो रहा है, मतलब 58.7 ग्राम निकल ऑब्टेन होगा। भाई बोलो, बात समझ आ गई ये चीज? ठीक है, तो अब अगर 6000 कूलम चार्ज पास कराया जाता है तो निकल कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 58.7 मल्टीप्लाइड बाय 6000 डिवाइडेड बाय 1.93 × 10⁵। अगर हम इसे सिंपलीफाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1.825 ग्राम। तो इतना निकल डिपॉजिट होगा अगर 6000 कूलम चार्ज इसमें पास किया जाता है, तो इतना निकल ऑब्टेन होगा अगर 6000 कूलम निकल इसमें इतना ग्राम निकल ऑब्टेन होगा अगर 6000 कूलम जो है चार्ज पास किया जाएगा। समझ आ गई अब आपको? अब देखिए इस क्वेश्चन में 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं ए बी सी कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब हम तीन सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनमें सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया जाता है। ये फैराडेज का सेकेंड लॉ होता है कि व्हेन थ्री सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू देम। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर इज पास थ्रू देम अंटिल द 1.45 ग्राम ऑफ द सिल्वर इज डिपॉजिटेड। तो हमें मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड दिया हुआ है जब 1.5 ग्राम ऑफ करंट जो है पास किया गया, तो अब हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर हमें यह भी बताना है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक आर डिपॉजिटेड, और ये भी बताना है कॉपर एंड जिंक का मास कितना डिपॉजिट करा है। तो तीन पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। एक तो हमें टाइम बताना है सिल्वर के लिए कि कितना टाइम लगा, और फिर हमें ये बताना है कि कितना मास कॉपर एंड सिल्वर जिंक का डिपॉजिट करेगा कैथोड पे अगर ये तीनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर तीन सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सेम क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पास करा जाता है, मतलब क्यू से तीनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं सिल्वर के लिए। तो सिल्वर के लिए शुरू करना है तो पहले हमने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली कि एजी के लिए बेसिकली दिया हुआ है 1.45 ग्राम क्या कर गया, डिपॉजिट कर गया है, और 1.5 एम्पियर करंट दिया हुआ है, और टाइम हमें पूछा हुआ है। ठीक है, ये चीज। अगला एम है हमारा, दैट इज मास फाइंड आउट करना है, मास ऑफ कॉपर फाइंड आउट करना है और हमें फाइंड आउट करना है जिंक के लिए फाइंड आउट करना है। ये हमारा एम है। ठीक है, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो मैं ये रब कर रही हूँ। अब आप देखो यहाँ पे हमें सिल्वर 1.5 ग्राम डिपॉजिट है, सॉरी 1.45 ग्राम डिपॉजिट है और 1.5 एम्पियर करंट पास किया गया है और टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमने सिल्वर का रिएक्शन लिखा कि Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट होता है। हाँ भाई, ठीक है। तो एक मोल सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और एक मोल का मतलब Q इक्वल टू NF, दैट इज 1 फैराडे हो गया, 1 फैराडे हो जाएगा, और 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलम, इतना चार्ज की जरूरत हो गई। ठीक है, इतने कूलम जब चार्ज पास किया जाता है तो एक मोल सिल्वर डिपॉजिट होता है। अब हमें बताना है 1.45 ग्राम जब सिल्वर डिपॉजिट हुआ तो उस केस में कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। अगर Q हमारे पास आ जाएगा तो Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो सॉल्व फॉर टी कर लेंगे। जब 108 ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिट करता है तो उस टाइम पे 96500 कूलम चार्ज जो है पास हुआ। ठीक है, तो अब कितना डिपॉजिट करा है, 1.45 ग्राम। तो अगर इतना डिपॉजिट हुआ है तो कूलम कितना लगेगा, 96500 अपॉन 108 × 1.45, ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है 1295.6 कूलम।
अभी ये समझ आ गई ये चीज़, ठीक है। अब अगला एम क्या है, टाइम फाइंड आउट करना। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू किसके इक्वल है, आई इंटू टी के। तो क्यू हमारे पास 1295.6 दिया हुआ है, आई कितना है 1.5 एम्पियर है, आई हमारे पास ये 1.5 एम्पियर है ना। तो अब हम इससे सॉल्व करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे, टाइम। तो टाइम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 863.7 सेकेंड। इतना टाइम लगा 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए, जब 1.5 एम्पियर करंट पास करा गया था। फिर से देख लो आपने करा क्या, आपने पहले ये बैलेंस रिएक्शन से निकाल लिया कि 108 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे मतलब इतने कूलम्स लगते हैं, तो 1.45 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए कितने कूलम लगेंगे, ठीक। जब कूलम आपके पास आ गया तो कूलम किसके इक्वल हो गया, आई इंटू टी, टाइम सेकेंड्स में होता है, आई एम्पियर में हो गया। तो टाइम हमारे पास 863.7 सेकेंड आ जाता है, ठीक है। अब हमने इसमें आगे फाइंड आउट करना है मास ऑफ द कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, ठीक। मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिट जब हम करेंगे तो सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज लेंगे, क्यू मतलब 1295.6 कूलम ही लेंगे हम। सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया जाता है जब सेल्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू है 1295.6 कूलम और हमारा एम है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकालना और जिंक का डिपॉजिटेड मास निकालना, इनके एटॉमिक मासेस गिवन है हमारे पास, ठीक है। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकालना और जिंक फाइंड आउट करना, और दोनों के एटॉमिक मासेस गिवन है, ठीक है। तो फिर से हम रिएक्शन लिखेंगे कि कॉपर 2+ जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, अभी ठीक है ये चीज़। तो अब यहाँ पे फिर से देख लो, यहाँ पे 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितना लगता है, 2 फैराडे लगता है। क्यू किसके इक्वल हो गया, NF के। 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे लगे, मतलब 1.93 × 10⁵ कूलम लगा, ठीक है। अब 1 मोल का मतलब मास डिपॉजिट किसके बराबर हो गया, मोलर मास के, और मोलर मास कितना है 63.5 ग्राम, ठीक। तो अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1.93 × 10⁵ कूलम जब चार्ज पास करा तब कितना डिपॉजिट हुआ, 63.5 ग्राम कॉपर जो है वो डिपॉजिट करा, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि 1295.6 कूलम चार्ज पास करने पे ये कितना डिपॉजिट होता है, तो 63.5 मल्टीप्लाइड बाय 1295.6 अपॉन 1.93 × 10⁵। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 0.426 ग्राम, इतना जो है कॉपर क्या कर गया, डिपॉजिट कर गया, 0.426 ग्राम कॉपर डिपॉजिट कर गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम किसके लिए फाइंड आउट कर लेंगे, जिंक के लिए कर लेंगे। जिंक का भी अगर आप देखोगे ना तो वो भी Zn2 पॉजिटिव से Zn पे जाता है, क्यू की वैल्यू उसके लिए भी 2 फैराडे होगी कि 2 फैराडे से 1 मोल जिंक डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो 1 मोल जिंक का पर उसका मास कितना हो जाएगा, उसका मोलर मास 65 है, तो उसमें भी 2 फैराडे का मतलब 1.93 × 10⁵ कूलम होगा, तो इतने कूलम से 63.5 ना करके 65 ग्राम जिंक का डिपॉजिट करेगा, तो इतने कूलम से कितना आएगा, तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आएगा फॉर कॉपर एंड जिंक। तो अब हम इसे चेंज कर रहे हैं, तो इसमें चेंज करना है तो ये रिएक्शन को चेंज करना पड़ेगा। रिएक्शन में यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये Zn सॉलिड आ गया, ठीक है। हम कॉपर का फाइंड आउट कर चुके हैं, जिंक का। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास इतना ही रहेगा, पर अब यहाँ पे इसका मोलर मास कितना है, 65 ग्राम। तो अगर 1 मोल जिंक का डिपॉजिट करना है तो 2 फैराडे लगेंगे, 2 फैराडे का मतलब इतने कूलम हो गया, 2 × 96500 जो कि 1.93 × 10⁵ कूलम के बराबर है। तो इतने कूलम चार्ज पास करने पे 65 ग्राम ऑफ किसका डिपॉजिट करेगा, अब जिंक का डिपॉजिट करेगा। तो 1295.6 कूलम चार्ज पास करने पे ये कितना डिपॉजिट करेगा, यहाँ पे भी ये वैल्यू डिफर कर जाएगी 65, तो थोड़ी सी वैल्यू ये क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे आ जाती है 0.438 ग्राम, समझ आ गया आपको। तो कितना डिपॉजिट करेगा जिंक, 0.438 ग्राम, ठीक है। तो
तो ये क्वेश्चन था सीरीज के ऊपर कि जब भी सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास तीनों सेल में क्या रहता है, सेम रहता है। दिस इज दी फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपका क्यू जो रहना था वो सेम रहना था जो आपने सिल्वर के लिए कैलकुलेट करा है। तो उसी से हमने क्या कर लिया, कॉपर और जिंक का भी मास फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड रेफर टू अदर पीपल आल्सो। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आपको कोई और क्वेश्चंस वगैरह, आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स चाहिए होते हैं तो आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट्स वगैरह हैं, आपकी मिड टर्म्स भी आ रही हैं तो आप हमें सेंड करिए। सो वी विल डेफिनेटली सी टू इट कि अगर हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो आप सब्सक्राइब करना हमारे चैनल मत भूलिएगा और शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। थैंक यू।